आज से हम स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के फुल लेंथ टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे थे कंटिन्यू कि सर अब जो है आप फुल लेंथ टेस्ट कराइए या फिर कंप्लीट टेस्ट कराइए। तो आज से हम ये जो है पहला टेस्ट स्टार्ट करेंगे जो फुल लेंथ रहेगा। तो टेस्ट नंबर पहला है, फुल लेंथ टेस्ट है। तो अभी जिन दोस्तों ने साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में लिंक को भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये नए पैटर्न को देखते हुए बनाए गए हैं। इसमें पांच ऑप्शन रहेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन का, सपोज करो पहले क्वेश्चन का आपसे आंसर नहीं आता है, आपसे कोई पता नहीं है कि कौन सा इसका आंसर रहेगा, तो आपको ये 5 ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, वहाँ आपको गोला करना पड़ेगा वहाँ पर अगर आप नहीं अटैम्प्ट करते हो फिर, ठीक है। अगर आप अटैम्प्ट कर देते हो, आपका आंसर सपोज करो इसका आंसर आ जाता तीसरा, तो आप वहाँ पर तीसरे के आगे गोला कर दोगे। अगर आपको अटैम्प्ट नहीं करना क्वेश्चन, फिर भी आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग में उसका नंबर काट दिया जाएगा अगर अटैम्प्ट नहीं करोगे तो। आप क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पर अनुत्तरित लिखा पाँचवें नंबर पर, तो इसको देख कर डरे ना आप। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वे नीचे दिए गए कूट में सही कथनों का चयन कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। ये दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे स्टेटमेंट की, जोधपुर पूर्णतः बालू का स्तूप मुक्त जिला है। तो देखिए पूर्णतः अगर टोटली ऐसा कुछ आता है तो ऑप्शन या सदैव, हमेशा, केवल, तो हम UPSC की ट्रिक से भी उसको एलिमिनेट कर देते हैं, तो इसका पहला और तीसरा इसका आंसर आ जाता है। क्लियर है? अब देखिए अनुप्रस्थ बालू का स्तूप सर्वाधिक जोधपुर में पाए जाते हैं, इसके साथ ही वह चूरू और झुंझुनू में मिलते हैं, तो पूर्णतः बालू का मुक्त नहीं है ये। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन किस नदी को संदर्भित करते हैं। तो पहला है, यह अरावली के पश्चिम ढाल से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्र में बहती है। अगर आपने बहुत मैप अच्छे से देखा होगा तो आप बता सकते थे। और ये कच्छ के रण में जाके गिरती है। तो कच्छ के रण में देखा होगा आपने, अगर ये बोलता है खंबात की खाड़ी में तो आप जो है इसका आंसर माही सरावती में से कोई मारती, लेकिन ये निकल कहाँ गिर रही है, कच्छ की खाड़ी में गिर रही है, तो इसके आंसर दोनों में से ये तो नहीं होने वाले हैं। ये बात करें अरावली के पश्चिम से निकलती है, तो कौन सी नदी है, वो नदी है पश्चिमी बनास नदी, वो गिरती कहाँ पर, कच्छ के रण में, यानी कि ये अरब सागर में जाके गिरती है। अब पश्चिमी बनास की सहायक नदी देख लेते हैं, कुकड़ी हो गया, सुकली हो गया, अबू सिरोही वे डिसानपुर गुजरात इसी नदी के किनारे स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट है, कोपन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा हुआ है। अब कौन कौन से भागों में बांटा हुआ है ये देख लेते हैं। सबसे जो पश्चिमी भाग है राजस्थान का वो कौन सा, वो है आपका CWHW, और ये हो गया CWHW, उसके जस्ट पूर्व में भाग है वो है BSHW, और ये मैदानी भाग जो है वो मैदानी भाग है वो CWG है। तो अब देख लेते हैं सबसे पश्चिमी भाग जो है कौन सा है। तो ये मरुभूमि जो है, यानी कि मरुस्थलीय भूमि सबसे पश्चिमी भाग है, तो इसके आगे दूसरा आ गया। और उसके बाद देखेंगे हम BSHW, जो ये स्टेपी तुल्य जलवायु होती है, दूसरे नंबर पर ही आ गया आपका, दूसरे नंबर पर आया था स्टेपी तुल्य। अगर बात करता है वो कि AW कहाँ पर, सबसे दक्षिण में AW इधर, तो AW में कौन सा आएगा, AW आएगा आपका सवाना तुल्य वनस्पति। वहीं पर बात करें CWG, तो शुष्क मानसूनी जलवायु जो होती है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश वगैरह में भी यही होता है CWG, तो यह इसका आंसर ये आ गया। तो आपका आंसर आया था ये, ठीक है। तो मैप के हिसाब से आप राजस्थान के समझ सकते हैं, सबसे पश्चिम में जो क्षेत्र है उस BWHW है, उसके पूर्व में जस्ट यह BSHW ऐसे इधर, उसके अगर और पूर्व में जाओगे तो CW आ जाएगा, और दक्षिण में जाओगे तो AW आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथन किस झील से संबंधित है ये बताना है। तो यह गोमती नदी के किनारे स्थित है, पहला स्टेटमेंट। इस झील में 60 टापू अवस्थित हैं, सबसे बड़ा बाबा भागड़ा में छोटी प्यारी भी है इसमें। इससे सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं। इस झील के किनारे नर्मदेश्वर महादेव मंदिर है। जैसे अगर आपको एक भी फैक्ट पता है तो आप इजीली पकड़ सकते हैं, तो कौन सा है, यह है जैसमंद झील। क्लियर है? जैसमंद झील इसका निर्माण कराया था महाराजा जयसिंह द्वारा, कब, 1885 और 91 के बीच में। इसे दूसरे नाम ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, एक तरफ तो जिला है, दूसरी तरफ प्रमुख घास है। तो आपने देखा होगा कि जो धावड़ घास है, धावड़ घास जैसलमेर में होती है, कौन सी, जैसलमेर में। और चूरू में कौन सी घास होती है, तो चूरू में होती है मोचिया, जो चैसे इसमें चै आएगा और चैसे चूरू आएगा, ठीक है।
वहीं बात करते हैं हम जैसलमेर में, तो जैसलमेर में आपकी सेवड़ घास। बीकानेर में कौन सी घास है? बीकानेर में घास है आपकी बैसे बीकानेर, बैसे बुर है, ये बुर है घास है, ठीक है। वहीं पर सवाई माधोपुर, तो यहाँ पर खस घास है। अगर आपको एक पता होता तो आप सवाई माधोपुर से ये पकड़ सकते थे, तो इसका आंसर आ जाता आपका चौथा आंसर आ जाता है। दूसरी अन्य घास देख लो, मैंने डिस्कस किया धावड़ घास कहाँ पर, जैसलमेर में, बांस बांसवाड़ा में। अब ये मिट्टियों का वर्गीकरण दिया गया है, तो कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में है ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे इस क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है, तो वहाँ पर एरिड सोल है, एरिड सोल है। दूसरी तरफ देखें तो हम एंटी सोल है यहाँ पर दूसरे नंबर पर, वहीं तीसरे नंबर पर यहाँ पर अल्फा सोल है, चौथे नंबर पर एनसेप्टी सोल है, और पाँचवें पर इधर काली मृदा है, या फिर इसे वर्टिकल सोल भी कहते हैं। तो पाँचवें पर देखेंगे आप बट्टी सोल जहाँ पर है, काली मृदा आप जानते हैं कि इधर है, ये जलोड़ मृदा है। तीसरे नंबर पर अल्फी सोल, ठीक है। तो एरिड सोल ही पश्चिम में सबसे, ये आपका आंसर ही आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक बाजरा राजस्थान के किस जिले में बोया जाता है। तो बाजरे की बात आ रही है, तो बाजरा कहाँ पर बोया जाता है, तो बोया जाता है बाड़मेर में, सबसे ज़्यादा बाजरा बोया जाता है। अगर बात करें उत्पादन की, उत्पादन जो होता है वो अलवर में होता है, आप इसमें कन्फ्यूज़ ना करें, उत्पादन अलवर में होता है और बोया जाने वाला क्षेत्र बाड़मेर में है। नेक्स्ट है, कालीतीर लिफ्ट परियोजना किस जिले से संबंधित है, तो ये धौलपुर जिले से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है। तो न्यूनतम कहाँ पर, बीकानेर और नागौर में न्यूनतम है ये। बीकानेर में कितना, 0.2%, नागौर में 0.2, बीकानेर में 0.4। मोटी नियात, नेनकी नियात और निचली नियात कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो ये जनजाति से गरासिया से संबंधित है। तो ये क्या है, ये इनकी पंचायत व्यवस्था है ये। नेक्स्ट, कौन सा स्थान यूरेनियम उत्पादन क्षेत्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है बताना है आपको। तो देखिए उबरा उदयपुर, खंडेला सीकर, रामगढ़ बारा, ये भद्रापन पाली यूरेनियम से संबंधित नहीं है, ये थोरियम उत्पादन क्षेत्र है, कहाँ पर, ये पाली में है। कौन सा सोलर पार्क जैसलमेर में स्थित नहीं है, तो जैसलमेर में कौन सा, नादिया कला सोलर पार्क जैसलमेर में नहीं है, ये कहाँ पर, जोधपुर में है, ये जोधपुर में स्थित है, ये क्लियर है, नादिया कला सोलर पार्क जोधपुर में है। बाकी दूसरे पता होने चाहिए आपको, पोकरण हो गया, फतेहगढ़ हो गया, नोक हो गया, ये हो गया, ये सारी जो जैसलमेर में है ये। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट है ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता, जैसलमेर में नहीं मनाया जाता। दूसरा ब्रज महोत्सव भरतपुर, और कबीर महोत्सव बीकानेर, मंड महोत्सव जोधपुर, ठीक है। तो ऊंट महोत्सव बीकानेर है ये, तो यही गलत है। डेयरी उद्योग से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि डेयरी उद्योग के लिए राज्य में त्रिस्तरीय ढांचा जिनका शीर्ष जो है RCDF है, तो पहली बात ठीक है। दूसरा बरमूल डेयरी जोधपुर में स्थित है, ये भी ठीक है। तीसरा गंगमूल डेयरी श्री गंगानगर में है, ये गंगानगर में नहीं है, गंगपुर नाम जरूर है बट ये है हनुमानगढ़ में, तीसरा गलत है। चौथा राजस्थान की प्रथम डेयरी उदयपुर में स्थापित है, उदयपुर में नहीं है, ये अजमेर में स्थापित है, तो सी और डी इसका आंसर गलत है। साल हो गया, सागवान शीशम आम चंदन किस प्रकार के वनों की ये है, मतलब वनस्पति है, तो ये जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क ये मानसूनी वन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, एक तरफ दर्रा है, दूसरी तरफ किसको जोड़ता है, किससे जोड़ता है। तो आपने देखा होगा पहले ही कि पेंसोंग दर्रा, तो पेंसोंग दर्रा आपको अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार से जोड़ता है। बारालाचा को आप जानते हैं कि लाहौल स्पीति को लेह से जोड़ता है। अगर कुछ भी नहीं जानते तो लेपु लेक को जानते हैं, लेपु लेक कहाँ पर, लेपु लेक आपका उत्तराखंड में। बनिहाल दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, ये दूसरा आंसर इसमें ठीक आ जाता है। नेक्स्ट है, विभिन्न फसलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन ठीक है ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि गेहूं एक रबी फसल है जिसके लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा गन्ने के लिए लैटराइट मिट्टी की आवश्यकता होती है और इसके पकने की अवधि 5 से 6 महीने सामान्य रूप से वितरित होती है, तो ये गलत है, दूसरा स्टेटमेंट। लेटराइट मिट्टी नहीं, काली मिट्टी इसके लिए ज़्यादा अच्छी होती है, ये दोमट मिट्टी का है, ये दोनों मिट्टी ज़्यादा अच्छी होती हैं। चाय की खेती के लिए पूरे वर्ष 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरी बात, यहाँ पर महीने भी गलत है, 11 से 12 महीने में कंप्लीट होती है किसकी, गेहूँ की, ये गन्ने की खेती। क्वेश्चन नंबर 18 है, पहली जूट मिल 1855 में हुगली औद्योगिक क्षेत्र के श्रीरामपुर में स्थापित की गई थी,
तो कौन सा कथन सही है ये बताना है, तो ये गलत है। पहली रिसरा में स्थापित की गई थी, 1855 में रिसरा में स्थापित की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए पहला स्टेटमेंट जिसमें आएगा वो गलत है। तो आपके पास में केवल यही स्टेटमेंट बचता है जो सही होगा। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा झांसी में मिलते हैं, ये बात ठीक है। स्वर्ण चतुर्भुज 13 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है और श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, ये स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, असुमेलित युगम को बताना है कौन सा इसमें असुमेलित है। तो पहला है ब्यास का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है, गोदावरी का तरंग बेसवर से होता है, नर्मदा अमरकंटक से होता है, तापी बैतूल के पठार से होता है, तो इनमें कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट है 2021-22 में उच्च से निम्न उत्पादन स्थिति के संदर्भ में वॉक्साइड उत्पादक राज्यों का सही क्रम कौन सा होगा। तो वॉक्साइड सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है, उसके बाद में होता है गुजरात, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश। आपका डी आंसर ठीक है, उड़ीसा, गुजरात, झारखंड। नेक्स्ट है संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किन पदाधिकारी वे प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। तो कौन कौन से का, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, संसद के चुनाव के प्रत्याशियों का, संघ के मंत्री का, इसमें लोकपाल का मेंशन नहीं है, तो लोकपाल जिसमें आएगा वो आंसर कट जाएगा, बाकी ठीक है सारे। लोक लेखा समिति के बारे में आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा आंसर सही है इसके बारे में बताना है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत वर्ष 1921 में पहली बार इस समिति का गठन किया गया था, पहला स्टेटमेंट ठीक है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों से की जाती है, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से चुने जाने की परंपरा 1969 में प्रारंभ की गई थी। तो ये तीसरा स्टेटमेंट है आपका गलत है, 1967 में प्रारंभ की गई थी। ये तीसरा स्टेटमेंट जिसमें आएगा वो गलत हो जाएगा, पहला दूसरा इसका आंसर है। अब इसमें सुमेलित करना है, क्वेश्चन नंबर 23 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पहला पट्टा सवाई में मामला देखा होगा आपने, ये निजता के अधिकार से संबंधित था, तो पहले का पहला आंसर आएगा, तो ये दो आंसर नहीं होने के हैं। दूसरे की बात करें हम कि नवतेज सिंह जौहर किससे संबंधित है, ये धारा 377 आपने देखा होगा समलैंगिकता के मामले से संबंधित है। तीसरा अरुणा रामचंद्र और सानबाग बात किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपका इच्छा मृत्यु से। इंदिरा सानी तो आपको पता ही है आरक्षण की संवैधानिकता से संबंधित है, तो पहला इसमें स्टेटमेंट ये ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा असत्य कथन है आपको ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है अपूर्ण निर्वाचक मंडल के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, ये बात ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रपति चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी लोकसभा राज्यसभा महासचिव होता है, तो दूसरी बात भी ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रपति चुनाव में सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य समान होता है, तो सबका अलग अलग होता है, समान नहीं होता, तो तीसरा स्टेटमेंट ये गलत है, सी आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के विघटन की स्थिति में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला स्टेटमेंट है राज्यसभा में पुनर्स्थापित एवं पारित तथा लोकसभा में लंबित विधेयक अनिवार्यता समाप्त हो जाएगा, तो ये बात ठीक है। अगर राज्यसभा पारित करती तब समाप्त, लोकसभा पारित कर देती और राज्यसभा नहीं करती तब ये समाप्त नहीं होता। दूसरा है लोकसभा में पुनर्स्थापित एवं पारित तथा राज्यसभा में लंबित विधेयक समाप्त नहीं होगा, तो ये बात गलत है, ये समाप्त हो जाता है। तीसरा है राज्यसभा एवं लोकसभा से पारित विधेयक जिसे राष्ट्रपति ने पुनर्विचार हेतु लौटा दिया है समाप्त नहीं होगा, ये बात ठीक है। तो पहला तीसरा ये बातें ठीक हैं दो। नेक्स्ट है यहाँ पर रिट्स के संबंधित क्वेश्चन है कि उत्प्रेषण रिट कब जारी की जाती है, उत्प्रेषण जारी की जाती है आपके उच्चतर मामलों में लंबित मामलों को अपने पास मंगाने के लिए। वहीं पर बात किया है बंदी प्रतिक्षरण की, तो बंदी प्रतिक्षरण रिट जारी की जाती है अवैधानिक तरीके से बंधक, अगर बंदी बना लेते हो किसी को तो उसके लिए जारी की जाती है, दूसरे का तीसरा। उसके बाद में परमादेश रिट जारी की जाती है, परमादेश रिट जारी की जाती है अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अगर कोई कार्य करता तो उससे रिलेटेड जारी की जाती है, तीसरे का पहला। तो तीसरे का पहला केवल सॉरी ये तो ये तीसरे का जो है ये परमादेश कब जारी की जाती है, ये जारी की जाती है सार्वजनिक अधिकारी या संस्था द्वारा निर्धारित कार्य ना ही करने पर, परमादेश यानी कि हम आदेश देते हैं भाई ये क्यों नहीं कर रहे। तो दूसरा है प्रतिषेध, तो प्रतिषेध कब जारी की जाती है, ये जारी की जाती है अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने पर, तो उस पर रोक लगाई जाती है, इसमें प्रतिषेध लगा दिया जाता है, तो सी आंसर इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 358 के तहत किसी भी आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बाद साथ ही अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, तो ये बात ये स्टेटमेंट गलत है, स्वतः निलंबित नहीं होते हैं।
दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर अन्य मूलाधिकारों के लागू होने को निलंबित कर सकता है, तो दूसरी बात ठीक है। तीसरा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी मूलाधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, तो ये गलत है। चौथा है, सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो निलंबित नहीं होगा, तो ये बात भी ठीक है। दूसरा और ये चौथा सही है, बाकी गलत है। सत्रहवीं लोकसभा के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो पहला स्टेटमेंट है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं, 84 हैं। दूसरा है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए कितनी सीटें हैं, 47 हैं, 47 है, 49 नहीं है, कितनी, 47। नेक्स्ट है, न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथनों को आपको बताना है कौन सा असत्य है। तो न्यायिक समीक्षा का शब्द उल्लेख 13 के 3 में किया गया है, ये बात गलत है, कहीं भी इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, कथन एक है कि 103वां संविधान संशोधन 2019 से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का 10% आरक्षण दिया गया है इसमें। उसका दूसरा स्टेटमेंट है, कथन कारण है इसका, इस आरक्षण का आधार आर्टिकल 46 है। तो दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही करता है। आर्टिकल 46 क्या कहता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए है ये। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है बताना है आपको। तो निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले होगा हो सकता है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के आधार पर हटाया जा सकता है, ये बात गलत है। तीसरा, कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से सेवानिवृत्ति के उपरांत अन्य दूसरे नियुक्ति पर निषेध किया गया, अगर निषेध किया जाता तो फिर नियुक्ति क्यों होती, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो केवल पहला स्टेटमेंट इसमें ठीक है। तो स्टेटमेंट सही बताना कौन सा है, तो संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी अधिकारिता भैया जो संविधान में संविधान में दी गई है, ये बात गलत है, ये संसद ये विस्तार कर सकती है। दूसरा है, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और क्रमिक संबंध मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत के संचित निधि पर पारित होता है, ये बात गलत है, तो इनमें से कोई भी बात ठीक नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों का उनकी स्थापना के समय के आधार पर सही क्रम लगाना है। तो सबसे पहले स्थापना किसकी, इनके हिसाब से किसकी स्थापना हुई थी, तो देखिए छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड तो एक साथ बने थे, तो इनमें अरुणाचल प्रदेश में, और इसमें देखना पड़ेगा। तो ये अरुणाचल प्रदेश सबसे पहला बना था, अरुणाचल प्रदेश कब बना था, अरुणाचल प्रदेश बना था आपका 1987 में, उसके बाद गोवा बना था, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ बना था, बाद में उत्तराखंड बना था। उत्तराखंड सबसे लास्ट में आएगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं, उत्तराखंड सबसे लास्ट में, आपका आंसर हो गया ये ए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के बारे में कौन सा कथन असत्य है आपको ये बताना है। कैग सरकारी व्यय की औचित्य लेखा परीक्षक करता है, ये बात ठीक है। औचित्य लेखा परीक्षक कैग पर बाध्यकारी है, ये बात ठीक नहीं है, कैग पर बाध्यकारी नहीं है, ये कैग का विवेकाधीन कार्य है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन विषयों पर संविधान संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की मंजूरी आवश्यक है, तो कौन से विषय हैं। अगर 7वीं अनुसूची से रिलेटेड कोई विषय है या संविधान में संशोधन करने की से रिलेटेड कोई विषय है तो इनके लिए अनुमति जरूरी है। संसद व राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन इसके लिए जरूरी नहीं है, और ये 6ठी अनुसूची के मामलों में भी जरूरी नहीं है। तो डी तो जिसमें आएगा वो अपना आप कट जाएगा, बाकी आंसर आ गया आपका पहला। वह कौन चित्रकार थे जिन्होंने सबसे पहले एकल चित्र प्रदर्शनी लगाना प्रारंभ किया था, तो कौन थे, रामगोपाल विजय वर्गीय। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है, तो सबसे प्राचीन पुस्तक है भारतेश्वर बाहुबली घोर। ये कब की है, ये सुरेंद्र सूरी की है, भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 की। नेक्स्ट है, कौन सा भूषण स्त्रियों द्वारा कान में नहीं पहना जाता है, तो कान में कौन सा नहीं पहना जाता, लौंग कान में नहीं पहनी जाती है, लौंग कान में नहीं पहनी जाती है, ये नाक का भूषण है। ये कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, पहला ओसिया का सूर्य मंदिर महाबारू, ये देखिए अभी आर्ट एंड कल्चर हमने कंप्लीट नहीं किया अपनी क्लास में, आज ही हमने मॉडर्न इंडिया का भी कंप्लीट किया है, मॉडर्न राजस्थान, उसके बाद में कल और परसों की 2 दिन क्लास रहेगी आर्ट एंड कल्चर, उसमें कंप्लीट करने की पूरी कोशिश रहेगी, क्लियर है। तो दूसरा है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर ये गुजर प्रत्यार का है, सोमेश्वर मंदिर ये गुजर मारूर का है, आबू के चंद्रपति मंदिर ये भूमिज के नहीं है, आबू के चंद्रपति के मंदिर मारू गुर्जर शैली के मंदिर हैं ये। नेक्स्ट है, संत दादूदयाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इनका जन्म देखिए अहमदाबाद में 1544 में हुआ था, ये बात ठीक है।
1585 में उन्होंने फतेहपुर सीकरी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट की थी, ये बात भी ठीक है। तीसरा, इनका पार्थिव शरीर नारायण में रखा गया, ये बात गलत है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और गलत कथन को आपको पहचानना है। तो पहला है, सुनारी एक वैदिककालीन बस्ती थी जिसे हम भारत की प्राचीनतम लोहे की भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है, सॉरी ये यहाँ पर पूछ रहा गलत स्टेटमेंट कौन सा है, तो ये तो बात ठीक है, सुनारी जो वैदिककालीन बस्ती थी और इसे हमें भारत के लोहे की भट्टियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। दूसरा, बरोर पुरातात्विक स्थल साबी नदी के किनारे स्थित है जहाँ से 8000 लाजवर्द मन के प्राप्त हुए हैं, तो ये बात गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, बयाना गुप्तकाल पुरातात्विक स्थल पर बरीक बंध से हर्षवर्धन ने भीमलाट स्तंभ का निर्माण कराया था, ये भी गलत है। सीबी जनपद की राजधानी मध्याई का एक जैन केंद्र था, यह राजस्थान का प्रथम उत्खनित स्थल था, यानी कि 2, 3, 4 गलत हैं। अब देखिए सुनारी को देख लेते हैं, झुंझुनू जिले में कांतरी नदी के किनारे स्थित एक वैदिककालीन बस्ती है। दूसरा, बरौर को देखते हैं तो श्री गंगानगर से ये सरस्वती नदी के किनारे है, यहाँ पर क्या कह रहा था, ये साबी नदी के किनारे, दूसरा श्री गलत हो गया। बयाना भरतपुर गुप्तकालीन स्थल है, सीबी जनपद ये उदयपुर में चित्तौड़गढ़ था, यहाँ की राजधानी मध्याय का नगरी थी। चलिए नेक्स्ट है, हमीर चौहान से संबंधित निम्नलिखित लेखक या पुस्तक में कौन सा असंगत युग्म है, तो पहला नैन सूरी ये हमीर महाकाव्य है, सारंगधर हमीर रासो, चंद्रशेखर ये हमीर हट, अमृत कलश ये हमीर नारायण, ये गलत है, ये अमृत कलश जो हमीर बंधन का है। नेक्स्ट है, असुमेलित युग्म को इसमें पहचानना है, एक तरफ शासक है दूसरी तरफ सेना नायक है। रतन सिंह के टाइम पर गोरा बे बादल थे, पृथ्वीराज तृतीय के टाइम पे ये आला उदल नहीं थे, आला उदल किसके टाइम पे थे, ये चंदेलों के टाइम पे थे, ठीक है, तो तीसरा ठीक है, चौथा ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मध्यकालीन राजस्थान में वो राज्य प्रशासन में दाखला से क्या तात्पर्य था, दाखला ऐसी भूमि जिसमें जागीरदार अपने क्षेत्र में किसानों को पट्टा देते थे और ऐसी भूमि पर रजिस्टर में दर्ज की जाती थी, उसको दाखला कहते थे। नेक्स्ट चलते हैं, नीमूचणा हत्याकांड जो गांधी जी ने किस समाचार पत्र के लेख में दोहरी डायरेसी कहा है, तो ये यंग इंडिया में कहा है इसको। नेक्स्ट चलते हैं, इजलास खास का संबंध निम्नलिखित में किससे है, तो मेवाड़ का उच्चतम न्यायालय से है इसका संबंध, इजलास खास मेवाड़ का उच्चतम न्यायालय था जिसका अन्य नाम महा इंद्राज सभा था। नेक्स्ट है, एक तरफ राजस्थान एकीकरण का नाम, दूसरी तरफ दिनांक, तो पहले देखते हैं पूर्व राजस्थान, तो ये 18 मार्च 1948 को था ये, उसके बाद में संयुक्त राजस्थान था 18 अप्रैल 1948 को, उसके बाद है बृहत राजस्थान कब था, बृहत राजस्थान था 30 मार्च 1949 को, और उसके बाद संयुक्त बृहत राजस्थान तो ये कब था, ये था 15 मई 1949, तो इसका पहला आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है असुमेलित युग्म को, इसमें सुमेलित युग्म को बताना है कि कौन सा इसमें सामाजिक या राजनीतिक संगठन था और उसके संस्थापक कौन थे, तो प्रताप सभा के संस्थापक थे बलवंत सिंह मेहता। उसके बाद में अगर बी की बात करें राजपूताना मध्य भारत सभा, तो इसके थे आपके ये जमनालाल बजाज वे अन्य हैं। वहीं बात करें मारवाड़ लोक परिषद की, तो मारवाड़ लोक परिषद के थे ये रणछोड़ दास गट्टानी। वहीं बनवासी सेवा संघ की बात करें तो इसके थे राजकुमार मानसाही, तो यानी कि इसका पहला आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर रही है, तो 8.19% रही है, यहाँ पूछ रहा है स्थिर मूल्यों पर, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में भूमि उपयोग के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहला देखिए शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना 52% है, ऊसर भूमि कितनी है 6.91, और बात करें वानिकी की, तो वानिकी 10% नहीं है, वानिकी कितनी है 8.08% है, बंजर भूमि 10.87%, ये बंजर भूमि का परसेंट यहाँ पर दे दिया, यही गलत है। कौन सा युग्म असुमेलित है, तो राजसिको की स्थापना 1961 में हुई, राजस्थान वित्त आयोग 55 में, रिको 1958 में नहीं, रिको बना था 1980 में, बाकी राजीव का 2010 में, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सत्य कथन है बताना है, तो पहला है राजस्थान का नवंबर 2022 तक ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता 23,487 मेगावाट है, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है।
दूसरा राजस्थान में सौर ऊर्जा की क्षमता 142 गीगावाट है जबकि अधिष्ठापित क्षमता 13,531 मेगावाट है। तो दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। राजस्थान पवन और हाइब्रिड ऊर्जा की नीति 2020 में जारी की गई है, तो ये 2019 की नीति थी, ये 2019 की, ये तो यही स्टेटमेंट गलत है। सरसों व तुड़ी की विलायती बबूल बायोमास ऊर्जा के लिए प्रमुख स्रोत है, तो ये बात भी ठीक है। तो पहला दूसरा डी आंसर इसका आ गया। नेक्स्ट है, कौन सा एसत्याय आपको बताना है, तो राजविका सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत है, ये बात ठीक है, तो ये तो होगा नहीं इसका आंसर। दूसरा, राजविका किसको समस्त शहरी जीविका कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का कार्य सौंपा गया है, तो ये बात गलत है। तीसरा है, मनरेगा में रोजगार दिवसों की संख्या बढ़ाकर 125 कर दी गई है, तो ये बात जो है ठीक है। चौथा है, राज्य में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है, ये बात गलत है। दूसरा और डी गलत है इसमें। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो वर्ष 2022 के दौरान कुल 986.32 लाख पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया, तो ये बात सत्य है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 30 नवंबर 2022 को लागू की गई, ये बात भी ठीक है। देश में पर्यटन ऐप लॉन्च करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य है, तो ये बात गलत है। दूसरा राज्य है, प्रथम कौन था, केरल था। तीसरा जिसमें आएगा वो गलत होगा, तो आपका पहला आंसर आ जाता है। डिजिटल भुगतान बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के सभी जिलों का 100% डिजिटल कर दिया गया, ये बात भी गलत है। कुछ ही जिलों में भी डिजिटलाइजेशन हुआ है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में सत्य कथन को बताना है, कौन सा सत्य है। पहला है, राजस्थान में 2001 से 11 के बीच शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात में प्रति हज़ार 24 महिलाओं की वृद्धि हुई है, तो पहला ही बात ठीक है। राजस्थान में न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जैसलमेर जिले में है, दूसरी बात भी ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के केवल कोटा और जयपुर जिलों में 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या है, तीसरी बात ठीक है। तो इसमें आपका तीनों आंसर ठीक है। राजस्थान की शहरी जनसंख्या हिस्सेदारी कितनी है, 24.87% है। कौन सी विशेषता मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना से संबंधित नहीं है, तो कौन सी नहीं है, इस योजना की शुरुआत 2021 में की गई थी, यही स्टेटमेंट गलत है। बल्कि बीमित परिवार को 7 प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर किया जाता है इसमें। 23-24 के अनुसार इसमें बीमित परिवारों की सदस्य संख्या मृत्यु पर 10 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है, बाकी डूबने चलने वगैरह पर भी इसमें शामिल किया गया है, तो पहला आंसर इसमें गलत है। नेक्स्ट है, नवजीवन योजना संबंधित है किससे, अवैध शराब के व्यवसायियों में लिप्त समुदाय से संबंधित है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के बारे में आपको बताना, कौन सा असत्य कथन है, तो बजट 2023-24 में आइए, अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में पंजीकृत मजदूरों और स्ट्रीट वेंडर के वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, इसमें ये बात ठीक है, पहली बात ठीक है। इसके अंतर्गत मजदूरी समाप्त होने पर रोजमर्रा की आवश्यकता हेतु 14 दिन तथा 200 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे, तो 14 दिन नहीं है, 7 दिन है इसमें, तो यही स्टेटमेंट गलत है। 7 दिन तक 200 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। बजट के विकासात्मक व्यय के वितरण के अनुसार निम्नलिखित अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे ज़्यादा बजट जाता है सामाजिक व सामुदायिक विकास पर, उसके बाद में ग्रामीण विकास, फिर ऊर्जा, फिर परिवहन, यानी कि पहला आंसर ठीक है। सामाजिक व सामुदायिक विकास के लिए 46% है, ग्रामीण विकास के लिए 16, ऊर्जा के लिए 15 और कृषि के लिए 7, परिवहन के लिए 6। क्लियर है, 3 का आपको पता होना जरूरी है। 2023-24 के बजट के अनुसार राजस्व प्राप्तियाँ कितनी हैं, तो राजस्व प्राप्तियाँ 2,23,988 करोड़। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों को प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आधारित SDG क्रियान्वयन समिति का अध्यक्ष होता है, तो कौन होता है इसमें, मुख्य सचिव होता है। राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 4.0 के अनुसार किस जिले ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो कौन सा जिला सीकर ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। एक तरफ पर्वत सीकर है, दूसरी तरफ स्थित देश हैं। तो आपने देखा होगा कि ये टोईबुकल कहाँ पर है, तो टोईबुकल है आपका ये मोरक्को में। एकांगुआ पर्वत आपका अर्जेंटीना में। बडिंगटन पर्वत कहाँ पर, ये है आपके कनाडा में। कोजुइको है आपका ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपको कोजुइको पता है तो उसके हिसाब से भी आप आंसर को निकाल सकते थे। नेक्स्ट है, सही कथन पर आपको चयन करना है। अरिकत क्षेत्र पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान है जो अटाकामा रेगिस्तान का एक हिस्सा है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। एलिफेंटा घास यूरोप की स्टेपी ग्रेसलैंड में पाई जाती है, तो भाई साहब यही यहाँ पे आपको घुमा दिया, ये अफ्रीका में पाई जाती, यूरोप में नहीं पाई जाती। पामीर पर्वत श्रृंखला दुनिया की छत के नाम से जानी जाती, विश्व की छत भी कहते हैं इसको, तो पहला तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। एलिफेंटा घास अफ्रीका में पाई जाती है, सवाना के क्षेत्रों में। असुमेलित को बताना है आपको, कौन सा असुमेलित है, एक तरफ शहर है दूसरी तरफ नदियाँ हैं।
तो पहला देखिए, वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे है, पेरिस सीन के किनारे, बुडापेस्ट डेन्यूब के, लिस्बन टैगिस के, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र और दूसरी तरफ है देश। तो पहले की बात करते हैं हम गेलीबर, तो इसमें से क्या देखना है, उसमें से सही सुमेलित करना है। तो पहला गेलीबर स्वीडन में नहीं है, पहला गलत है। नोसेरो ईरान में नहीं है, नोसेरो सूरी ईरान में है, ये सही है। ये दूसरा सही है, चिकी माता नोसेरो कहाँ पर, ये पाकिस्तान में है, सॉरी नोसेरो पाकिस्तान में है। तो पूछ रहा है ये यहाँ पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक होगी, सॉरी इसके लिए। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कितने सही सुमेलित हैं, यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन है कि दो चार या तीन पेयर कितने सही हैं। तो देखिए गेलीबर की बात करें तो गेलीबर कहाँ पर है, स्वीडन में है। नोसेरो ईरान में, ये गलत है। चिकमाता कहाँ पर है, चिकमाता है आपके ये चिली में। सेंट लॉरेंस आपका है कनाडा में, तो ये गलत है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ आपका और ये गलत हुआ, ठीक है। तो बाकी दो स्टेटमेंट ठीक हैं। नेक्स्ट चलते हैं, भूमध्य सागर की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से में लगती है। तो भूमध्य सागर के आपने ये सीमा देखी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार डाला जाता है, जॉर्डन को देश को वहाँ पर डाला जाता, तो जिसकी वजह से वो गलत हो जाता। जॉर्डन को आप हटा दो, तीसरा जिसमें आएगा उसको हटा दो आप, बाकी किससे लगती है, इराक से नहीं लगती, ये भी हटा दो, तो उसके बाद में आपका ऑप्शन बचेगा सी। चलिए नेक्स्ट है, सही सुमेलित करना है सूची वन को सूची टू से। तो पहला स्टेटमेंट है इसमें आर्टिकल 233 किससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल 233 है आपका राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। वहीं पर आर्टिकल 200 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 200 है आपका राज्य विधायक द्वारा विधेयक पारित होकर राज्यपाल के समक्ष मतलब पेश करना। तीसरा आर्टिकल 201 है, 201 है राज्यपाल द्वारा विधेयकों को राष्ट्रपति हेतु विचारत रखना। और ये 213 तो आप जानते होंगे, 213 है अध्यादेश के लिए, राज्यपाल अध्यादेश देगा, तो इसका आंसर हो गया आपका सी। 200 क्या है, राज्य विधायक द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा स्वीकृति देना। या फिर 201 पर क्या है, विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना। 13 में क्या है, अध्यादेश जारी करना। 33 में राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन मतलब विवेचना करनी है, कौन सा सही है तो बताना ही है। तो राज्य की मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती, किसके विधानसभा के प्रति, ये बात ठीक है। दूसरा है, मुख्यमंत्री की सिफारिश के बिना कोई भी व्यक्ति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति नहीं कर सकता, कि बिना कोई भी व्यक्ति मंत्रिपरिषद में नियुक्त नहीं हो सकता, तो दोनों बातें ही ठीक हैं। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान के प्रथम विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ने वाली महिलाओं को उनके विधानसभा क्षेत्र में सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ महिला प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ विधानसभा क्षेत्र हैं। तो बात करते हैं वीरेंद्रभाई की, तो वीरेंद्र भाई आपके हैं ये जयपुर शहर से, और रानी देवी हैं आपकी सोजन मोहन से, और शांता देवी हैं उदयपुर से, और ये चिरंजा देवी हैं फागी से, तो इसका दूसरा आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विधान परिषद सदस्यों के निर्वाचन संबंधी निम्नलिखित में से विवेचना कीजिए, कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। 1/6 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, ये बात गलत है, 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जिसमें आएगा वो गलत आएगा, गलत हो गया वो, तो दूसरा तीसरा इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं विधायक द्वारा, जबकि 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 231 में राज्य के उच्च न्यायालयों की संरचना पर कार्य का उल्लेख किया गया है, तो कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहले स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा है, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राजप्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा जयपुर में 25 अगस्त 1949 को किया गया था, तो ये बात गलत है। कब किया गया था, 29 अगस्त को किया गया था, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला ठीक है। तो जोधपुर में किया गया था, कहाँ पर, जोधपुर में राजप्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा 29 अगस्त 1949 को इसका उद्घाटन किया गया था, तो इसका आंसर आ गया चौथा। चलिए नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित निम्नलिखित प्रावधानों में ऐच्छिक प्रावधान नहीं है, कौन सा ऐच्छिक नहीं है, राज्य वित्त आयोग का गठन ये ऐच्छिक प्रावधान नहीं है, ये अनिवार्य प्रावधान है। ये अब कौन कौन से अनिवार्य प्रावधान है देख लेते हैं। ग्राम सभा का गठन, त्रिस्तरीय व्यवस्था, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष, SC/ST महिला आरक्षण, राज्य वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग और वार्ड पंचवय समितियों की प्रत्यक्ष निर्वाचन, जिला योजना समिति का गठन। राजस्थान में पंचायती राज निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है, यह प्रावधान किस वर्ष में क्रियान्वित किया गया था, तो ये किया गया था राजस्थान में 2010 में। 244 के डी में ये आरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिला कलेक्टर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता, तो कौन सा नहीं आता,
जिला न्यायाधीशों पर नियंत्रण रखना ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य तहसीलदार के दायित्वों के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो कौन सा नहीं है, पत्रगढ़ी, ये पत्रगढ़ी के आदेश जारी करना, ये उपखंड अधिकारी का कार्य है। राजस्थान निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन गलत है ये बताना आपको। तो पहला स्टेटमेंट है कि राजस्थान में अनुच्छेद 243 के और 243 के जेड दोनों राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है। दूसरा स्टेटमेंट है इसकी स्थापना 1 जुलाई 1994 को की गई थी। तीसरा, जिले का कलेक्टर ही जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। चौथा, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य निर्वाचन आयोग को पदयुक्त किया जा सकता है, बात गलत है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। तो स्थापना के समय इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे, किसमें, राजस्थान लोक सेवा आयोग में, ये बात गलत है, उस टाइम 2 सदस्य हुआ करते थे। तो पहला स्टेटमेंट जिसमें आएगा वो गलत हो जाएगा, उसके बाद में आपका आंसर सीधा आ जाएगा। वर्तमान में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं, ये बात ठीक है। इसके सदस्यों की संख्या को कम या ज़्यादा करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, ये बात भी ठीक है। इसके जो अध्यक्ष हैं, स्थापना के समय अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। अध्यक्ष थे कौन, एस के घोष, सदस्य थे तिवारी और चंदोरकर। वर्तमान में अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वप्रथम किस विभाग ने नागरिक अधिकार पर पत्र लागू किया था, तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा लागू किया गया था। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन है मैथ रीजनिंग के, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, बेहतर बच्चों को एक संख्या स्कूल पंक्ति में बैठाया जाता है, प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में संख्या से 12% अधिक हो जाती है, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो इसका आंसर है 9 बच्चे हैं। नेक्स्ट है, एक आदमी कुल 12 टेबल, ये आप देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी। तीसरे का इसका 82 का आंसर है आपका बी। 83 का आंसर है आपका सी। 84 का आंसर है आपका डी। 85 का आंसर है आपका सी। 86 का आंसर है आपका ए। 87 का आंसर है आपका डी। 88 का आंसर है आपका, अब देख लेते हैं, मौर्य काल के निम्नलिखित में से प्रशासनिक पदों को अर्थ को सम्मिलित करना है। तो पहले देख लेते हैं पद और उसका अर्थ क्या था। तो जो लक्षणाध्यक्ष होते थे तो उसका पद क्या होता था, ये होता था मुद्रा विभाग का प्रमुख। वहीं बात करें अगर पोताध्यक्ष की, तो पोताध्यक्ष क्या होते थे, ये होते थे नाप तोल के विभाग अध्यक्ष, तो हमारा आंसर इसके हिसाब से। और वहीं बात करें कूपे अध्यक्ष क्या होते थे, ये होते थे वन रक्षकों का प्रमुख। सोनाध्यक्ष क्या होते थे, ये होते थे बूचड़खाने का प्रमुख, यानी कि बी आंसर इसका आ जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटना है आपको, कौन सा असत्य है। स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, बात ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में स्थित है। सांची स्तूप महात्मा गांधी बुद्ध के जीवन की विशेष घटनाओं का उल्लेख करता है, ये इसका यही जो है तीसरा स्टेटमेंट गलत है। जो सांची स्तूप है वो विशेष घटनाओं से संबंधित नहीं है, ये बोध गया ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित है, सारनाथ धर्मचक्र परिवर्तन से कुशीनगर मृत्यु से संबंधित है। नेक्स्ट है, असुमेलित युगम को पहचानना, एक तरफ रचना है एक दूसरी तरफ लेखक है। तो कादम्बरी की रचना किसकी ने की थी, बाणभट्ट ने की थी, तो यहाँ पर सुगंधु लिखा हुआ है, तो यही गलत है। कादम्बरी की रचना की थी बाणभट्ट ने, जो हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे, ये कौन से साहित्यकार थे। सुबंधु ने वासुदत्ता की रचना की थी। नेक्स्ट है, सत्य कथन को आपको पहचानना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि अजीबक संप्रदाय ने नंद वंश के विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये बात ठीक है। दूसरा, मामुलनार नामक तमिल ग्रंथ नंद शासकों द्वारा संचित अपार धन संपदा का उल्लेख करता है, तो दोनों बातें ठीक हैं। ये मखलीपुत्र गोसाल द्वारा स्थापित अजीबक संप्रदाय ने नंद वंश के विनाश में भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट चलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में बताइए। तो पहला है, दक्षिण भारतीय राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का अनुसरण किया था, ये बात ठीक है। दूसरा है कि काकतीय वंश से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, ये बात भी ठीक है। तीसरा, प्रथम सुल्तान था जिसने अपने नाम पर गाजी शब्द का प्रयोग किया था, तो ये बात ठीक नहीं है। तो वो कौन था, वो था गयासुद्दीन तुगलक, जिसने अपने शब्द के आगे गाजी का इस्तेमाल किया था। तो तीसरा स्टेटमेंट जिसमें आएगा वो गलत है, तो आपका आंसर आ जाएगा सी। काजी मुंगेज के साथ इसका संवाद प्रसिद्ध है। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। निम्नलिखित में से किस शासक के समय विजयनगर और बहमानी साम्राज्य के मध्य रायचूर द्वाब को लेकर विवाद हो गया था, तो किसके, देवराव प्रथम के टाइम पे।
इसके टाइम पे देवराय प्रथम के टाइम पे निकोली कांटी तुंगभद्रा नदी के किनारे पर यहाँ पे ये आया था इसके दरबार में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अकबरकालीन चित्रकला की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? ये हाशिया छोड़ने की शैली प्रचलन में आ गई थी, ये इसके टाइम पर नहीं आई थी, ये जहांगीर के टाइम पर आई थी। ये असुमेलित को पहचानना, एक तरफ संगठन है दूसरी तरफ वर्षें। तो पहला ये है कि पूना सार्वजनिक सभा 1870 में गठन की गई थी। विधवा सभा कब आई थी? ये आई थी 1861 में। दक्कन सोसाइटी ये कब आई थी? ये 1887 में नहीं आई थी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में आई थी। ये कौन? गोपाल कृष्ण अगरकर, गोपाल कृष्ण गोखले बाल गंगाधर तिलक से जुड़े हुए थे। 1887 में क्या आया था? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। तो पहला आंसर इसमें ठीक है। कौन सी गतिविधि ब्रिटिश भारत में वर्ष 1911 की घटना से घटित नहीं हुई थी? तो कौन सी थी? बंगाल में नेताओं का देश बाहर कर दिया जाना, ये इससे संबंधित नहीं था। ये कब था? 1908 में था ये। नेक्स्ट, गोलमेज सम्मेलनों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, कौन सा असत्य है आपको बताना है? असत्य नहीं है, सॉरी, ये क्या लिख दिया? असत्य नहीं है, मतलब सत्य है फिर। तो इनमें से एक भी सम्मेलन का आयोजन ब्रिटिश भारत में नहीं हुआ था, तो ये बात ठीक है। कांग्रेस ने सिर्फ एक सम्मेलन में भाग लिया था, ये बात भी ठीक है। इसके तीसरे सम्मेलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू किया गया था, तो ये बात गलत है। तीनों गोष्ठ सम्मेलन गोलमेज सम्मेलनों, तो केवल पहला और दूसरा असत्य नहीं है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये जो है लंदन में हुए थे, कांग्रेस ने केवल दूसरे में भाग लिया था, गांधी जी गए थे इसमें। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लौटने के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू कर दिया था, तीसरे के बाद नहीं किया था। निम्नलिखित संस्थानों ने उनके कारणों का नाम व्यवस्थित कर विकल्प का चयन करना है, कौन सा ठीक है? तो सबसे पहला इसमें कौन सी बनी थी? टाटा परमाणु, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन रिसर्च बनी थी 1945 में। उसके बाद में नेशनल फिजिकल लैब 1947 में बनी। उसके बाद में परमाणु ऊर्जा निगम 54 में और इंसोकपार ये बनी 1962 में। तो आपके हिसाब से ये आंसर आ जाता है सी। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सॉल्व करना है। तो जानकारी मतलब दी गई है, इसको बताना है कि डी ए की भतीजी कैसा है। तो इसमें सॉल्व रख रख के देखना है, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर फोर्थ आंसर है। इसमें आपको त्रिभुज बताने हैं, तो कितने त्रिभुज हैं इसमें? जो 24 त्रिभुज हैं। नेक्स्ट है, सितंबर को अगर इसमें लिखा जाता तो क्या कैसे लिखा जाएगा? सितंबर ऐसे लिखा जाएगा। कोड बाजार में टाइगर को राइट लिखा जाता तो आगे पीछे करके लिख दोगे इसको। क्राम को क्या लिखा जाएगा? ये नरोज लिखा जाएगा। अब ये देख लो आप कि ये तरीके से किस तरीके से यहाँ पर गैप चल रहा है, तो उसी के हिसाब से आप लिख देंगे कि कितना गैप चल रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये आपका चौथा। प्रत्येक श्रृंखला में ऐसे कितने साथ हैं जिनके प्रत्येक ठीक पहले पाँच है परंतु बाद में आठ नहीं है? तो आप देख लोगे इसमें, देख लोगे तो कितने हैं इसमें? इसमें दो हैं ऐसे। एक पूरब की ओर यात्रा करता है, बी उत्तर की ओर यात्रा करता है, सी और डी विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं। तो भाई इसको मिलान कर लेना आपको, इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। इसका इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्थानीय कॉलेज में प्रबंधन के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की अंतिम परीक्षा देने वाले अधिकांश छात्रों की प्रथम श्रेणी मिली है, जो राज्य के दूसरे प्रबंधन कॉलेजों के छात्रों के तुलना में उच्च बेहतर प्रदर्शन है। तो कौन सा इसमें सही नहीं हो सकता है? तो कह रहा है कि पिछली सभी परीक्षाओं में राज्य के अन्य प्रबंधन कॉलेजों के छात्रों का प्रदर्शन स्थानीय कॉलेजों के बेहतर रहा है, तो ये बात गलत है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 107 है, ऊंट रेगिस्तान में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने के लिए अनिवार्य है, निष्कर्ष क्या निकलते हैं? रेगिस्तान में ऊंट यात्रा करने का एकमात्र सस्ता साधन है, तो भाई ऐसा तो बोला ही नहीं है। दूसरे रेगिस्तान में ऊंट बहुत संख्या में, ये भी ऐसी कोई बात नहीं है, तो डी इसका आंसर आ जाता है। इसका भी आंसर देख लेंगे आप, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर सी आ जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कौन सा मतलब सही कथन है इसका देख लेना है। अधिमान शेयरों के शेयरधारकों को उसकी कंपनी की वार्षिक आम बैठक में वोट देने का अधिकार होता है, तो ये बात तो सही पूछ रहा है, तो वोट देने का अधिकार नहीं होता। लाभ बांटने के मामले में इक्विटी शेयरधारकों को प्राथमिकता दी जाती है, ये बात गलत है, दोनों बातें इनमें से ठीक है सही नहीं है। अधिमान शेयरधारकों को वोट डालने के अधिकार के बिना लाभ साझा करने में प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि अधिकार वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। इक्विटी शेयरधारकों में लाभ साझा करने में कोई प्राथमिकता दिए बिना वोट डालने का अधिकार होता है उसमें, इक्विटी जिसमें शेयरधारक होते हैं। नेक्स्ट, विनिवेश के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें घाटे के वित्तपोषण के एक उपकरण के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में 51% से कम सरकारी हिस्सेदारी बिक्री की जाती है, तो पहली बात ठीक है। विनिवेश लक्ष्य की जिम्मेदारी वाणिज्यिक और आंतरिक व्यापार मंत्रालय के अंतर्गत यानी कि उद्योग और आंतरिक व्यापार समर्थन की होगी, तो ये बात गलत है। पहला इंस्ट्रूमेंट ठीक है। इसमें जिम्मेदारी किसकी होती है? दीपम की जिम्मेदारी होती है इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है इसके बारे में बताइए। पहला स्टेटमेंट है, ग्राह्य दबाव
समायोजित मानव विकास सूचकांक मनुष्यों द्वारा उत्पन्न कुल कार्बनिक उत्सर्जन अपशिष्ट की गणना करते हैं, तो पहली बात ठीक है। दूसरा, लैंगिक मानव सूचकांक 2021 में महिलाओं का सूचकांक लैंगिक विकास सूचकांक स्कोर 0.668 था, तथा तो पुरुषों का 0.567 था, तो ये बात गलत है। दूसरा स्टेटमेंट जिसमें आएगा वो गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर बी आ जाएगा। तो कितना स्कोर था महिलाओं का, इतना था, यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया था। भारत का स्कोर 0.8479 है। खनिज खान और खनिज विकास विनिमय संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है, इस अधिनियम की मुख्य विशेषताओं में गहराई में स्थित और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस की शुरुआत उल्लेखनीय है। दूसरा, लिथियम युक्त, तांबा युक्त, पोटाश और जस्ता युक्त खनिजों सहित 29 खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस 5 वर्ष के लिए जारी किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। तीसरा, महत्वपूर्ण खनिजों में खनिज के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, तो तीनों बातें ठीक हैं। नेक्स्ट है, कौन सा घटक राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं होता है इसमें। सेकेंड हैंड सामान की बिक्री और खरीद इसमें शामिल नहीं की जाती है। दूसरा, मध्यवर्ती वस्तुएं शामिल नहीं की जाती हैं। भुगतान स्थानांतरण शामिल नहीं होता, ग्रहण योग्य सेवा का मूल्य भी शामिल नहीं होता है इसमें। रेपो मार्केट ऑपरेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना, कौन सा कथन सही है इसके बारे में बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, रेपो रेट संपार्श्विक श्रेणी का एक मतलब रूप है, ये बात ठीक है। यह वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है, तो ये गलत है। दूसरा है, सामान्य तौर पर रेपो दर कम होने पर मांग में कमी हो जाती है, तो ये कमी नहीं होती, मांग बढ़ जाती है। तीसरा जिसमें आएगा गलत है, तो आपका पहला आंसर आ जाता है। रेपो दर जब कम हो जाएगी तो मांग बाजार में मांग बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है इसके बारे में बताना है आपको। इक्विटी मॉडल ई कॉमर्स साइट क्रेता और विक्रेता के बीच एक सुविधा कर्ता के रूप में कार्य करती है, जबकि मार्केट प्लेस मॉडल में साइट विक्रेता बन जाती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, घुमा फिरा के इसमें गलत लिख दिया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और मीडिया का सबसे बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एकीकृत बागवानी विकास निगम मिशन यानी कि MIDH के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो केंद्र पर राज्यों के क्रम से 60 और 40 और पहाड़ी राज्यों में 90-10 की वित्तीय अनुपात देती है। दूसरा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड इस मिशन को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करेगा, तो दोनों बातें ठीक हैं। बाल कुपोषण के स्तर और रुझान, संयुक्त बाल कुपोषण अनुमान 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो पहला है, यह यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक समूह द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है, ये बात ठीक है। 2022 में बौनेपन की दर 31% थी, जो 41% पिछली बार में कम हुई है, दोनों बातें ठीक है। परियोजना उन्नति निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो ये मनरेगा श्रमिकों को कौशल आधार को उन्नत करने से संबंधित है। नेक्स्ट है, अल्ट्रासाउंड के प्रयोग के बारे में असत्य कथन को आपको बताना है कि कौन सा असत्य है। किसी भी प्रागैतिहासिक पशु की आय का अनुमान लगाने में किया जाता है, ये बात गलत है। नेक्स्ट है, न्यूटन की गति के बारे में प्रथम नियम का दैनिक जीवन में सटीक उदाहरण कौन सा है, तो पेड़ को हिलाने का पर फलों का गिरना। नेक्स्ट है, 121 है, एक टेनिस बॉल को मैदान की तुलना में पहाड़ों पर उछलने पर वह अधिक ऊंचाई तक उछलती है, कारण क्या है। कारण है, ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होती है, तो ये बात ठीक है। नेक्स्ट है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस होती है, तो इसमें गैस होती है हीलियम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को चुनिए, तो कौन सा असत्य है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा 6 गुना अधिक नहीं है, ठीक है, यही गलत है। तो 6 गुना क्या होता है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान 1/6 गुना है, यानी ये कम है। नेक्स्ट है, कौन सी जंतु भूकंप से पहले उत्पन्न होने वाली अश्रव्य ध्वनि को नहीं सुन सकती, तो कौन कौन सी है जो नहीं सुन सकती। देखिए, सर भी सुन लेता, मोर भी, कुत्ता भी, चूहा भी, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए नेक्स्ट है, क्या निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन सही है बताना है। तो पहला है, टर्नर सिंड्रोम 44+YY=47 गुणसूत्र बनाता है, तो ये गलत है। 45 गुणसूत्र बनाता है, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 44+ ये गुणसूत्र बनाता है, ये बात भी गलत है। जेकब सिंड्रोम ये 47 गुणसूत्र बनाता है, ये बात ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से हैं ये बताना है। पहला, ये पायरिया प्रोटोजोआ से होता है,
मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ये हर्पिस प्रोटोजोआ से नहीं होता है, ट्रोकोमा प्रोटोजोआ से नहीं होता, कालाजर हो गया, अमीफीविया हो गया और ये निद्रा रोग हो गया। तो आपका आंसर ये आ जाता है। प्रोटोजोआ रोग कौन से हैं? देखिए कालाजर हो गया, मलेरिया, ल्यूकेरिया, पायरिया, अम्बीफाइसिस, नींद की बीमारी। नेक्स्ट, एक तरफ विटामिन है, दूसरी तरफ कमी से होने वाले रोग। तो इसका क्या था, हमने बताया था रबेस सुनर, रबेस सुनर। तो ये विटामिन ए की कमी से रतुंदी होता है, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से सूखा और ई की कमी से नपुंसकता और रे की कमी से इसकी मतलब विटामिन की कमी से रक्त का थक्का न जमना। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स वगैरह हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। उसके बाद में ये विटामिन ए की कमी से क्या होता है, बांझपन हो जाता है और विटामिन डी की कमी से रक्तस्राव होता है। तो बी आंसर इसका आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 है। एक तरफ उपग्रह है, दूसरी तरफ नाम है। तो नोवान उपग्रह ये गगन है, वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान यह आपका एस्ट्रोसेट है, प्रायोगिक उपग्रह यह एप्पल और छात्र उपग्रह यह प्रथम। तो इसका आंसर दूसरा इसका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की पहचान करना है। तो कौन कौन सी मिसाइलें हैं, जो सतह से हवा में त्रिशूल हो गई, उसके बाद में आपकी ये आकाश हो गई, उसके बाद ये आपकी बराक हो गई। तो तीन मिसाइलें सतह से हवा में मार करती हैं। तो इसका आंसर आपका डी आ गया। प्रहार कैसी सतह से सतह तक, तो प्रहार कट जाएगा इसमें। अस्त्र कैसी हवा से हवा तक, तो अस्त्र भी कट जाएगा। ब्लूटूथ संचार के माध्यम से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, गलत युग्म को पहचानना कौन सा गलत है। ब्लूटूथ 5 GHz आवृत्ति पर काम करता है, ये बात गलत है। 2.6 ये GHz पर काम करता है। 5G सेलुलर तकनीक के संबंध में निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार करें, कौन सा सही सुमिलता है बताना है। तो पहला ये लिटरेसी 1 microsecond नहीं होता, मिलीसेकंड होता है, ये बात गलत है। दूसरा औसत ये इसका होता है, बैंड कितनी होती है, 1 GBPS होती है। तो केवल दो युग्म इसमें सुमिलित करते हैं। नेक्स्ट है बिमेल जोड़े को पहचानना, एक तरफ रामसर स्थल है, दूसरी तरफ स्थान है। तो पहला स्टेटमेंट है, पहला ये इसमें तिसो मरोड़ी झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। सप्त कोशिया कहाँ पर है, तिसो मरोड़ी, सॉरी सब ये कहाँ पर है, कौन सा इसमें क्या बताना है, बेमेल जोड़े को यानी गलत जोड़े को बताना है इसमें। तो तिसो मरोड़ी झील कहाँ पर, लद्दाख में है, लद्दाख इसका आंसर आएगा। तो जम्मू कश्मीर नहीं है, पहला गलत है। सप्त कोशिया कहाँ पर है, उड़ीसा में है। अष्टभूमि केरला में है और ये किरकिली तमिलनाडु में। तो पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है, तिसो मरोड़ी झील कहाँ पर, लद्दाख में है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही का चयन कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव 2023 में जोधपुर में 13 से 19 मार्च तक ये आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ पर किया गया था, ये आपका जयपुर में किया गया था, जोधपुर में नहीं था। जयपुर इसका आंसर है। पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया, तो दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट है असत्य को इसमें पहचानना है। तो यूनिपेमेंट स्टेम सेल में सभी प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित होने की क्षमता होती है, ये बात गलत है। दूसरा केवल अस्थि मज्जा से प्राप्त होती है, ये बात भी गलत है। दोनों बातें इसमें गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फड चित्रकला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो इसके लिए प्रसिद्ध है भीलवाड़ा। नेक्स्ट है कला साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान द्वारा किसे सूर्यनगर शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है, एक तो मनीष कुलशेखर को और दूसरा किया गया है आपका हिंदू सिंह सोहड़ा को। तो दोनों को किया गया है। राइट टू वेल्थ अधिनियम 2022 के संबंध में निम्नलिखित उपनियम में गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो इसको बनाया गया एस के सरीन को। राजस्थान के किस पर्यावरणविद को पर्यावरण दिवस पर नेशनल प्राइड अवार्ड प्रदान किया गया। तो किसको दिया गया, पृथ्वीराज सिंह को दिया गया है। राजस्थान में किस स्थान पर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की बटालियन स्थापित की जा रही है। तो कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो 50 से कम अंक वृद्धि और 50 से अंक वृद्धि मंदी की मापक है, ये बात गलत है। पर्यावरण दिवस पर लॉन्च की गई नई जलवायु परिवर्तन नीति 2023 के संदर्भ में प्रदेश के कुल कितने भू भाग को हरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो कितना, 20% भाग को। नेक्स्ट है विश्व यूथ तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ये प्रथम भारतीय थे पार्थ सालूखे। नेक्स्ट है यूएफए चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता मैनचेस्टर सिटी ने। जूनियर महिला हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता, तो ये जीता भारत ने।
शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा? तो ईरान शामिल हुआ है अभी। मॉडल ए निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है उड़ने वाली कार, तो ये एलएफ एरोनॉटिक्स यानी कि अमेरिकी कंपनी ने बनाई है। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी योजना में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित की गई है? तो प्रतिशत की वृद्धि होगी जनवरी में 10% और जुलाई में 5% की जाएगी। तो राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी योजना कब? 21 जुलाई 2023 को शुरू की गई है, जो 135 दिन का रोजगार, 125 दिन का रोजगार और 2000 रुपये की मासिक सुरक्षा पेंशन का प्रावधान करती है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ पर? जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है नंद घर योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है इसके तहत कुल 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा, ये बात ठीक है। राजस्थान सरकार ने वेदांता समूह के बीच इसके लिए MOU हस्ताक्षरित किया, ये बात भी ठीक है। तीसरा इसका व्यय राजस्थान सरकार में वेदांता फाउंडेशन के बीच बराबरी से विभाजित किया जाएगा, ये बात गलत है। संपूर्ण व्यय वेदांता समूह बहन करेगा इसमें। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसका, हाल ही में जारी बाघ गणना 2022 के अनुसार राजस्थान में बाघों की संख्या कितनी है? तो बाघों की संख्या 88 है राजस्थान में, कितनी? 88। तो ये हमने पूरा टेस्ट डिस्कस किया, 150 क्वेश्चन का फुल लेंथ टेस्ट है। आने वाले टाइम में हम कल और परसों नेक्स्ट डे में हम जो जितने भी टेस्ट हैं इसके फुल लेंथ के वो सारे टेस्ट डिस्कस करेंगे। उसके साथ में ही जो पार्ट रह गया है राजस्थान हिस्ट्री का उस पार्ट को भी डेली एक एक क्लास के हिसाब से कवर करते हुए चलेंगे। एटलीस्ट तब तक आप 2 से 3 बार देख लोगे क्लासेस, तो मुझे लगता है कि फिर कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। तो प्रीलिम्स तो 100% आपका निकलने वाला है, जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से रेस्पॉन्स कर रहे हैं, और आप मैं देखता हूँ कि जिस तरीके से आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो या फिर यूट्यूब पर क्वेश्चन जो डाले जा रहे हैं उसका जो रेस्पॉन्स दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है। तो आई होप के मतलब जो भी लोग लगे हुए हैं हमारे साथ में उनका सभी का प्रीलिम्स हो जाएगा और मेंस को साथ में लिखने का मौका मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी जिन दोस्तों ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में लिंक शेयर करो। दूसरी चीज़ एक और बतानी थी कि जो भी लोग ये कमेंट करते हैं कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काम आएगा, भाई असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 3rd के लिए जो GS का राजस्थान का पेपर आएगा उसके लिए सभी ये काम आने वाला है। चाहे वो राजस्थान का हमने दिशा की पब्लिकेशन की बुक कराई हो, राजस्थान का PYQ कराया हो हमने, राजस्थान की टेस्ट सीरीज कराई हो, या फिर जो हमने करंट अफेयर डिस्कस किया, वो सारी जो 4-5 चीज़ें जो जो भी हम करा रहे हैं वो राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर में पेपर 3rd में काम आने वाला, भाई GS का जो भी पेपर होगा, क्लियर है। और जिनका ज्योग्राफी PGT TGT वगैरह है, तो ज्योग्राफी के लिए जो दिशा पब्लिकेशन की ज्योग्राफी कराई है भाई उसको भी देख लिया करो आप, तो उसमें TGT PGT का आपका ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। जो हिस्ट्री वाले हैं भाई PGT TGT वाले, वो हिस्ट्री वाला को भी देख लिया करें, ठीक है। तो चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है भाई।